लेता हूँ नींद आने लगती है। ऐसे फील होता है जैसे मैं पढ़ाई के बंधन में बंध के अपनी जवानी बेकार कर रहा हूँ। मोबाइल चलाने का मन करता है, चैटिंग करने का मन करता है, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने का मन करता है। हर पल यही सोचता रहता हूँ कि ये पढ़ाई किसने बनाई। यही सोचता हूँ कि टॉप करने वाले स्टूडेंट कैसे पढ़ते होंगे, वो कैसे ले आते हैं इतने मार्क्स, उनकी मेमोरी इतनी शार्प क्यों होती है, क्यों कोई स्टूडेंट एग्जाम में 99% ले आता है जबकि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पढ़ते हो और फिर भी तुम्हारे मार्क्स बहुत कम आते हैं। ऐसा क्या होता है जो एक टॉपर को तुमसे अलग बनाता है? इसका जवाब मुझे तुमसे चाहिए। ऐसा क्या है जो किसी और के पास है और तेरे पास नहीं है? ऐसा कौन सा काम है जो एक टॉपर कर सकता है और तू नहीं कर सकता? ऐसा क्या है जो उसको बाई बर्थ मिला है और तुझे नहीं? सोचा कभी? डीप से सोचने बैठोगे तो बहुत जवाब मिलेंगे। सबसे पहला तो ये कि तुम में और एक टॉपर में बायोलॉजिकली कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे शारीरिक अंग भी उसी तरह से काम करते हैं जैसे उनके करते हैं। तुम्हारी आंखें भी 2 को 2 बढ़ती है और 8 को 8। तुम भी सोते हो और एक टॉपर भी सोता है। तुम भी मोबाइल यूज करते हो और वो भी। उसके पास भी वही सिलेबस है, टाइम है, मौसम है और तुम्हारी ही तरह अंधेरे में ना पड़ पाने वाली आंखें हैं। तो फिर फर्क किस चीज का है? फर्क बहुत कम है। एक फर्क है टाइम और प्रायोरिटीज का, यानी कि वक्त और प्राथमिकताओं का। एक टॉपर को पता होता है कि कौन सी चीज को या कौन से काम को कब और कितना टाइम देना है। जैसे अगर मुझे पता है कि मोबाइल यूज करने से मैं अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा तो मैं उस जरूरी काम को पहले निपटाऊंगा और मोबाइल के मैसेज बाद में चेक करूंगा। कहीं कोई आग नहीं लग रही है? तुम्हारे सपने सबसे पहले हैं। और दूसरा क्या है जो एक टॉपर को तुमसे अलग करता है? तुम्हारा मकसद सिर्फ पढ़ना होता है, रटना होता है, मार्क्स लाना होता है, जबकि एक टॉपर का मकसद सिर्फ पढ़ना कभी नहीं होता। उसका मकसद कुछ और होता है। पढ़ाई तो सिर्फ एक माध्यम होता है जो उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लायक बनाता है। इसलिए उसको पढ़ते टाइम नींद नहीं आती, क्योंकि उसको पता होता है कि वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहा बल्कि कोई बड़ा काम करने के लिए, अपना नाम करने के लिए पढ़ रहा है। और यही बात उसको ताकत देती है। और क्या फर्क होता है एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में? टॉपर कभी भी रटता नहीं है, वो चीजों को, कंसेप्ट को समझता है, उनको प्रैक्टिकल वे में अप्लाई करता है, इसलिए वो उनको भूलता नहीं है। जो तुम्हारे ऊपर पंखा चल रहा है, कभी तुमने बिजली कटने के बाद ये नोटिस किया है कि वो कितनी सेकंड बाद रुकता है? और उससे फिर ये जानने की कोशिश करी है कि अगर इसको रेगुलेटर से आधी स्पीड पर चलते हुए रोकेंगे तो कितनी सेकंड में रुकेगा? क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश करी है कि जो ट्यूबलाइट तुम्हारे रूम में लगी है वो 1 सेकंड में कितनी बार फ्लिक करती है, वो 1 घंटे में कितनी यूनिट निकालती है? अगर पता किया होगा तो एग्जाम में कभी पावर कंजप्शन का आंसर गलत नहीं होगा। यही फर्क है एक एवरेज और एक उस स्टूडेंट में जो जिंदगी के किसी मकसद के लिए पढ़ता है। क्योंकि रटा हुआ ज्ञान तो अगली क्लास में जाते ही गायब हो जाएगा, लेकिन सीखा हुआ कंसेप्ट जिंदगी में बहुत बार काम आता है। और याद रखना, हर वो रात जिसकी नींद तुमने पढ़ाई के लिए कुर्बान कर दी है वो अपना कर्ज जरूर चुकाएगी। थोड़ा धैर्य रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो।